तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत्यकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी इस क्राइम तक की कहानी के सीरीज़ में बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको सुनाई जो भूत प्रेत खंडर हवेली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इससे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ थी आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए और बहुत ज़माने से एक कहानी की फरमाइश हो रही थी एक ऐसी गुड़िया की जिसके बारे में है कि उसके अंदर भूत है और ये कोई अफसाना नहीं है ये कोई झूठी चीज़ नहीं है बल्कि ये एक ऐसी डॉल जिसके बारे में है कि उसके अंदर कोई आत्मा है। ये डॉल आज भी एक म्यूज़ियम है और अमेरिका के एक म्यूज़ियम रखा हुआ है और बाकायदा जिस ग्लास के केस में इस डॉल को बंद करके रखा गया है कहते हैं बाकायदा मंत्रोच्चार मंत्र पढ़े गए और उसके बाद उस गुड़िया को उसमें बंद किया गया और उस म्यूज़ियम में जहाँ पे ये गुड़िया रखी है उस शोकेस के आगे बाकायदा चेतावनी लिखी हुई है कि इसके करीब ना जाएं, इसे बक्से से बाहर ना निकालें वरना नुकसान हो सकता है इस गुड़िया पे कुछ फिल्में भी बनी हैं आपने देखी होंगी आगे बताऊंगा। लेकिन क्या वाकई किसी डॉल के अंदर भूत मौजूद हो सकता है आत्मा हो सकती है इसको लेकर एक लंबी बहस हुई इसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो थे अमेरिका के उन्होंने भी इस पे काम किया और बाद में वही इस गुड़िया को ले जाकर उन्होंने म्यूजियम में भी रखा है तो एनाबेल डॉल नाम आपने सुना होगा बहुत मशहूर नाम है ये एनाबेल डॉल जिसमें ये कहा जाता है कि एक भूतिया गुड़िया है मतलब इसके अंदर एक भूत है ये पूरी कहानी क्या है क्यों ऐसा हुआ कि एक गुड़िया के अंदर भूत होने की बात कही गई तो कहानी की शुरुआत यूँ होती है कि अमेरिका में एक बच्चों के किताब को लिखने वाले राइटर थे लेखक थे और उन्होंने ही सबसे पहले जॉनी ग्रेल जॉनी ग्रेल एक लेखक थे जॉनी बच्चों के ऊपर एक सीरीज लिख रहे थे और जो उन्होंने लिखा था रेजरी अन्न यह उनकी किताब का नाम था जॉनी की एक बेटी थी मार्शला और कहानी वहीं से शुरू होती है जब मार्शला पैदा हुई थोड़ी सी बड़ी हुई तो जॉनी के घर के बैकयार्ड में घर के पीछे के हिस्से में एक दिन अचानक उन्हें एक डॉल पड़ी हुई मिलती है जॉनी ने चारों तरफ पड़ोसियों और इधर उधर से पूछा कि ये किसी की गुड़िया है यहाँ घर में आ गई है बट किसी ने भी नहीं कहा कि ये उनकी गुड़िया है तो एक रहस्यमय तरीके से जॉनी के घर में ये गुड़िया पाई गई घर के पिछवाड़ाई और उसके बाद जब यह हो गया कि कोई इसका मालिक नहीं है तो जॉनी उस गुड़िया को उठा कर लिया है घर में छोटी बेटी थी मार्शला और उसे दे दिया इत्फाक़ से मार्शला को उस गुड़िया से बेहद प्यार हो गया और वो दिन रात उसके साथ खेलती यहाँ तक कि सोती तो अपने साथ लेकर उस गुड़िया से इस कदर लगाव था कि कई बार जॉनी को यह अजीब सा भी लगा कि आखिर एक गुड़िया के साथ उसकी छोटी सी बेटी का इतनी इतनी मोहब्बत क्यों इतना लगाव किया लेकिन खैर बच्ची खुश थी जॉनी ने भी छोड़ दिया थोड़ा वक्त बीता और अफसोस की बात यह है कि जब मार्शेला की उम्र तेरह साल थी तभी उसे एक बीमारी हो गई और उस वक्त उस बीमारी की उसे वैक्सीन दी गई लेकिन वो उल्टा असर कर गया और मार्शिला की मौत हो गई सिर्फ तेरह साल की उम्र इस मौत से पहले एक और अजीब घटना हुई वो घटना ये हुई कि जो डॉल अचानक घर के पीछे मिली थी जॉनी को और जिससे मार्शला लगातार खेल रही थी मार्शला के जीते जी वो डॉल एक दिन अचानक उसी घर से गायब हो गई जॉनी ने पूरा ढूंढा मार्शला ने भी ढूंढा बहुत रोई भी लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वो डॉल कहीं मिली नहीं उसके बाद मार्शेला की भी मौत हो गई माशाला की मौत के बाद और उस डॉल की कहानी को लेकर जो सारी चीज़ें थीं तब जॉनी ग्रोयल ने एक किताब लिखी और उस किताब के कवर फोटो जो थी वो उसी एनाबेल डॉल की थी और तब उन्होंने वो बुक लॉन्च की और इससे डॉल के बारे में बताया जब डॉल के बारे में यह किस्सा पता चला तो लोग बड़े अचंभित हुए कि एक ऐसी गुड़िया थी जो रहस्यमय तरीके से घर में आई रहस्यमय तरीके से गायब हो गई तेरह साल की बच्ची की मौत हो गई और उस डॉल में पता नहीं कुछ अजीब सी चीज थी जिसकी वजह से मार्शा लगातार उसका लगाव बढ़ रहा था तो उन्होंने जो अपनी सीरीज लिखी उसमें बाकायदा इस गुड़िया की तस्वीर लगाई और पहली बार ये जो गुड़िया थी ये एक मशहूर हुई किताब के जरिए बात आई गई हो गई कई साल बीत जाते हैं अब दौर आता है नाइनटीन का उन्नीस में एक एंटिक शॉप थी उस शॉप में एक लेडी जाती हैं और वहाँ से वो एक डॉल खरीदती उन्हें वो डॉल बड़ा अजीब लगा क्योंकि उस एंटिक शॉप में बहुत सारी गुड़िया रखी हुई थी लेकिन वो गुड़िया थोड़ी अलग थी उस लेडी की एक बेटी थी जिसका नाम था डोना और डोना जो है वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी कॉलेज में पढ़ रही थी हॉबी स्टोर यह एंटिक शॉप का नाम था जहां से 1970 में डोना की माँ ने ये डॉल ख़रीदी और डॉल इसलिए ख़रीदी क्योंकि डोना का बर्थडे आने वाला था और वो गुड़िया उन्हें बड़ी अजीब अच्छी भी लगी तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को ये गिफ्ट कर देते हैं तो वो गुड़िया एक एंटिक शॉप से ख़रीद कर डोना को उसकी माँ गिफ्ट दे देती है डोना गुड़िया पाकर बहुत खुश होती है अपने हॉस्टल में उस गुड़िया को रखती है क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ दो और दोस्त थे गुड़िया को लाने के बाद शुरू के कुछ दिन तो कुछ होता नहीं है लेकिन बाद में डोना को लगता है कि गुड़िया में कुछ अजीब सी चीज़ है उसे ऐसा लगता है कि जैसे गुड़िया चल रही है उसे ऐसा लगता है जैसे गुड़िया बोल रही है देख रही है अपनी जगह से मूव कर रही है फिर उसे लगा कि उसका वहम होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कई बार जब वो कॉलेज जाती हॉस्टल से गुड़िया को कमरे में जिस जगह पर रख के जाती और जब वो लौट कर आती तो देखती गुड़िया अपनी जगह से कहीं और है अगर वो टेबल पर रखती तो लौट कर देखती तो वो कुर्सी पर है कुर्सी पर रखती तो देखती कि बेड पर है बेड पर रखती तो देखती कि जमीन पर है यह बात उसे बड़ी अजीब लगी उसने अपने दोस्तों से बताया उन्हीं दोस्तों में एक उसकी दोस्त थी लू जिसका नाम था उसे पता नहीं क्यों उस डॉल का व्यवहार बिहेवियर बड़ा अजीब लगता था शुरू से और वो उसको बड़ा देख के डरती थी उसने डोना से कहा कि इस गुड़िया में कुछ ना कुछ अजीब सी चीज है तुम इसे फेंक दो या फिर किसी और को दे दो यहां से हटा दो पर डोना नहीं मानी डोना को पता नहीं क्यों वो तमाम उसकी अजीब हरकतों के बावजूद वो गुड़िया बहुत पसंद थी इसलिए वो उसको अपने साथ रखती थी लेकिन अभी तक सिर्फ ये था कि गुड़िया की मूवमेंट है वो अपनी जगह से हट जाती है अब एक गुड़िया जो बेजान है वो कैसे चल सकती है कैसे उठ सकती है कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है कई बार लगा कि यह वहम भी हो सकता है लेकिन हैरानी तब बढ़ी जब इन चीज़ों को देखने के बाद डोना के दिल और दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये गुड़िया कहीं ना कहीं से मूवमेंट है इसके अंदर ये मूव करती है उसने इस बात को पुख्ता करने के लिए एक बार एक दिन गुड़िया को एक ऐसी जगह रखी कि बिल्कुल उसे याद है कि मैं लौट कर आऊँगी और ये अगर यहाँ नहीं मिले तो फिर देखते हैं लेकिन इतफाक की बात की जब वो लौट कर आती है तो गुड़िया जिस दरवाजे में ताला लगा कर गई थी डोना वो दरवाजे के बाहर थी अब ये हैरान करने वाली बात थी कि एक गुड़िया जो घर के अंदर दरवाजे में ताला लगा हुआ उसके अंदर और स्पेशली डोना उसको चेक करिए कि इसका मूवमेंट कहीं इधर से उधर होता है कि नहीं और वो बाकायदा दरवाजे के बाहर अब उस कमरे से बाहर कैसे आई ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है ये सब चीज़ें चलती रही लेकिन डोना फिर भी जो है उस गुड़िया का से उसका जो लगाव था वो कम नहीं हुआ इसके बाद जैसे करीब महीना भर बीता उसका एक और अजीब चीज़ हुई डोना एक दिन कमरे में लौटी तो उसने देखा कि चमड़े के पन्नों पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और ये उस पर बाकायदा लिखा हुआ था हेल्प में एक तो उसके रूम में और उस जहाँ पे वो रहती थी हॉस्टल कॉलेज में चमड़े का पन्ना कोई यूज करता ही नहीं था तो कमरे में चमड़े का पन्ना कैसे आ गया वो हैरान और वो कि हेल्प मी उस पर भी हैरानी और जो लिखावट थी वो ऐसा था कि किसी छोटी सी बच्ची की लिखावट है आड़ी तिरछी जो हैंड राइटिंग होती है आमतौर पर छोटी बच्चियों की तो उसे बड़ी हैरानी हुई उसके बाद भी कई दिन तक उसे चमड़े के पन्ने पर यही चीज़ें लिखी हुई मिली हेल्प मी डोना को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन अब डोना थोड़ा सा डरना शुरू हुई लेकिन अभी वो पूरी तरह से कुछ तय कर पाती एक और अजीब वाकया हुआ एक दिन जब वो कमरे में लौटी तो देखती है कि उस डॉल के सीने और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं पहले उसे लगा कि शायद कोई कलर या वो सारी चीज़ें हैं लेकिन वो वाकई खून के धब्बे थे क्योंकि वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी वो इन चीज़ों को जानती थी तब उस कमरे में कोई नहीं और बाकी कहीं पे भी कोई खून का निशान नहीं लेकिन उस डॉल के पीठ और आ, सीने पर खून की बूंदें और उनके निशान अब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर डोना के दिमाग में घर कर रही थी कि इस डॉल के अंदर कोई ना कोई बुरी आत्मा है वरना उसका अपनी जगह से हटना घर से बाहर निकमरे से बाहर आ जाना चमड़े के पन्नों पर बच्चों की लिखावट में ख़त मिलना इन सारी चीजों और वो अपनी दोस्त को बताते हैं और उसमें से जो लू थी वो पहले से ही परेशान थी उस गुड़िया को लेकर वो कहती थी इसे बाहर फेंक दो इसमें आत्मा है बुरी आत्मा है लेकिन डोना मानी नहीं एक दिन क्या हुआ अचानक जब डोना आई और डोना की जो दोस्त लू थी वो उस गुड़िया की हमेशा बुराई करती थी डोना के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी लू बाहर थी उसे लगा कि पता नहीं क्या मुसीबत है गुड़िया को लेकर वैसे ही डरी हुई थी वो भाग कर कमरे में गई लेकिन जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि डोना तो है नहीं उस कमरे में डॉल मौजूद है वो गुड़िया की तरफ देखती है थोड़ी देर के बाद अब लू की चीख की आवाज़ बाहर आती है बाहर आती है उसी वक्त डोना अपनी दूसरी दोस्त के साथ उस तरफ बढ़ रही थी वो भाग कर आती है लू जख्मी हालत में उसके कमरे में पड़ी हुई थी उसके जिस्म पे सात चोट के अलग अलग निशान थे और उस कमरे में कोई और मौजूद नहीं था लू भदावास बेहोश हो जाती है उसे फिर उठा वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं लेकिन हैरत तौर पर दो दिन के अंदर अंदर लू के वो सारे ज़ख़्म भी भर जाते हैं और लू ठीक हो जाती है लेकिन उसके दिमाग पर इस हमले का असर बहुत गहरा हो जाता है और वो बताती है डोना को कि उसके ऊपर हमला ऐसी गुड़िया ने किया था अब जब चूंकि पहली बार एक हमला भी हुआ जानलेवा हमला हुआ तो डोना घबरा जाती है इसके बाद डोना वहीं पे करीब में फादर थे उनसे बात करती है कि ऐसी ऐसी चीज़ है और एक गुड़िया और हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इसके अंदर आत्मा है तो वो एक बिशप के पास जाती है बिशप जो है वो गुड़िया को देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये एक शापित गुड़िया है इसके अंदर बुरी आत्मा बुरी रूह है तो फिर वो अपने सीनियर फादर के पास उसे भेज देते हैं फिर सीनियर एक फादर है उस वक्त जो किताब में उनका नाम कुक था वो देखते हैं और उसके बाद तब वो तय करते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये एक्चुअली पैरा नॉर्मल एक्सपर्ट्स का केस बनता है वो देखकर बताएंगे कि इस गुड़िया में है क्या और उस वक्त अमेरिका में एक जोड़ी थी हस्बैंड वाइफ की जो बहुत ही मशहूर थी पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के मामले में जिनका नाम था एडवर्न वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ये हस्बैंड वाइफ थे तो बिशप के जरिए ये बात अब एडवर्ड और लॉरेन के पास गई कि एक ऐसी गुड़िया है जिसके अंदर भूत है जो हरकत करती है जो हमला करती है जो अपने आप चलती है अपनी जगह बदलती है तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये दोनों पति पत्नी जो पैरानॉर्मल के एक्सपर्ट्स थे ये वहां पहुंचते हैं एडमर्ड वॉरन और लॉरेंस उनकी जो वाइफ थी इसके बाद आने के बाद वो डोना लू और उसकी जो तीसरी दोस्त है उससे बात करते हैं बात करने के बाद वो कहते हैं कि वो इस गुड़िया की बिहेवियर पे कुछ वक्त नजर रखेंगे फिर वो वहीं रुकते हैं एक हफ्ते तक वो गुड़िया को पूरी तरह से उसके ऊपर नजर रखते हैं उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं और एक हफ्ते की अपनी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये वारन दंपत्ति ये बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है और यह आत्मा शैतानी है इससे बड़ी बात वो बताते हैं जब एक हफ्ते के अध्ययन के बाद कि असल में ये गुड़िया यहाँ जो आई है इसे एक इंसानी जिसम चाहिए एक इंसानी शरीर और डोना जो है उसको ये गुड़िया पसंद करती है तो ये कभी भी डोना के शरीर में दाखिल हो सकती है कई फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा लेकिन अब चूंकि एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ लॉरेन वॉरेन एक हफ़्ते की स्टडी के, के बाद ये बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि ख़तरा है क्योंकि अब कभी भी ये डॉल जो है ये डोना के जिसम में दाखिल हो सकती है और ये डॉल आई ही इसलिए है क्योंकि उसे एक इंसानी शरीर चाहिए था डोना को वो करते हैं तीनों दोस्त घबरा जाते हैं फादर तक ये सारी बात पहुंचती है और इसके बाद फिर ये तय करते हैं लॉरेन और ये दोनों कि इस डॉल को वो अपने साथ ले जाएंगे और साथ ले जाने के बाद इसके ऊपर और रिसर्च करेंगे इसके बाद दोनों वॉरन दंपत्ति इस डॉल को उठाते हैं और अपनी गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठकर अब ये निकलते हैं वहां से लेकिन थोड़ी आगे जाते हैं तो अचानक उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का स्टेयरिंग भी काम नहीं कर रहा है ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है क्लच भी काम नहीं कर रहा है और वो गाड़ी में मतलब एक साथ तमाम ख़राबी और गाड़ी न दाएं मोड़ रही है नबाएँ मोड़ रही है और फिर जाकर टकरा जाती है फ़ौरन दमबत्ती को समझ में आ जाता है कि ये सारा खेल ये डॉल का है और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही क्योंकि उसके अंदर शक्ति और ताकत बहुत है किसी तरीके से वो फिर कुछ मंत्रोच्चार और बाकी चीज़ें करते हैं जो उनका अपना जो था एक पैरानॉर्मल सोसाइटी एक्सपर्ट वाले जो भी मंत्र नहीं कुछ और चीज़ें फिर वो उसको कंट्रोल में करते हैं और कंट्रोल में करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं निकलने के बाद ये अपने ऑफिस पहुँचते हैं और फिर उस डॉल को ऑफिस में ही रख देते हैं एक दिन के बाद उस दिन तक तो फिर गुड़िया शांत थी एक दिन के बाद फिर गुड़िया हरकत करनी शुरू कर देती है और वो घर में रखते हैं ऑफिस में वो कभी सीढ़ियों पे मिलती है कभी बेडरूम में मिलती है कभी किसी और जगह मिलती है तो उनको लग जाता है कि इस गुड़िया में पूरी हरकत है और इसके अंदर आत्मा है काफी अध्ययन करने के बाद फिर उन्हें लगता है कि इस गुड़िया को यूं खुला रखना ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि किसे इंसानी जिसम की तलाश है उसमें दाखिल होना है और ये भी डरता कहीं वापस डोना तक ना पहुंच जाए क्योंकि दो चीज़ें थी जब जॉनी को इस अपने घर के पिछले हिस्से में ये गुड़िया मिली थी उसके बाद ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गई उसके बाद एक एंटिक शोरूम में ये गुड़िया पहुँची तो वहाँ कैसे पहुँची किसी को नहीं मालूम और उसी एंटिक शोरूम में डोना की माँ का जाना और इस गुड़िया को अपनी बेटी के लिए ख़रीद कर लाना और उसमें एक और भी चीज़ थी कि चूँकि नर्सिंग का कोर्स कर रही थी डोना तो उससे पहले के बर्थडे में कभी डोना की माँ ने उसे गुड़िया टाइप की चीज़ गिफ्ट नहीं की थी क्योंकि वह बड़ी हो गई थी लेकिन उस बार पता नहीं क्या हुआ उस गुड़िया को देख करके डोना के माँ ने उसे गिफ्ट किया था तो ये सारे तार डोना से जुड़ रहे थे तो वॉरन दंपति को ये लगा कि ये कहीं फिर से वापस डोना के पास ना चला जाए तो इसीलिए फिर उन्होंने बाकायदा कहते हैं कि पवित्र जल छिड़क कर और बाकी जो फादर थे और उन सब से मिलकर और जो भी मंत्रोच्चार और ये सारी चीज़ें थी जैसे हमारे देश में होता है भूत प्रेत इन सब को वश में करने के अलग अलग जो तरीके होते हैं उन तरीक़ों को आज़माने के बाद इसे एक शीशे के बक्से में इस डॉल को बंद किया गया और शीशे के बक्से में डॉल को बंद करने के बाद इसे इन्हीं वारन दंपत्ति का एक अपना म्यूज़ियम है ओकलट म्यूज़ियम अमेरिका में तो उस डॉल को शीशे के बक्से में बंद कर ओकलेट म्यूज़ियम में रख दिया गया, गया। ये डॉल आज भी उस म्यूजियम में है और इस म्यूज़ियम में जहाँ पे यह डॉल है उसके आगे चेतावनी लिखी हुई है कि कोई इस बॉक्स को खोलने की कोशिश ना करे और इसके ज़्यादा करीब ना जाए क्योंकि इसकी शक्ति अब भी इसमें है और ये बाहर आ सकती है लेकिन कहते हैं कि इस डॉल के म्यूजियम में जाने के बाद भी एक शख्स की इसने जान ले ली एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड म्यूजियम में पहुँचते हैं और चूँकि जॉनी ने बुक लिखी थी उसको लेकर भी एनाबेल डॉल काफ़ी चर्चित थी तो जब म्यूज़ियम में पहुंचते हैं वॉरन के तो ये डॉल वहाँ देखी दोनों ने तो वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड उस गुड़िया को देख रहे हैं और बॉयफ्रेंड उस डॉल की मजाक उड़ाता है कहता तुम्हारे अंदर शक्ति है तो दिखाओ और इस तरह की चीज़ें और तुम मतलब तुम किसी को क्या नुकसान पहुँचा सकते हो ये सारी बातें हुई उसके बाद दोनों बाहर म्यूज़ियम से निकले बाइक पर बैठे और बाइक से अपने घर जाने लगे रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया लड़के की मौत मौके पे हो गई लड़की करीब एक साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रही उसके बाद वो ठीक हुई बाद में इस एक्सीडेंट की चर्चे और इस डॉल से जोड़कर देखा गया तो वॉर दंपति ने उन दोनों से उस लड़की से बात की जो बच गई थी हादसे में तब उससे पूछा कि क्या हुआ था तब उसने बताया कि म्यूजियम में डॉल के सामने वो लगातार डॉल का मजाक उड़ा रहा था और तब उन्होंने कहा था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए था और ये उसी डॉल की ताकत थी जिसकी वजह से शायद ये एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हुई तो एनाबेल डॉल मतलब क्या कहें यकीन करने को तो मन नहीं करता कि एक गुड़िया जिसके अंदर आत्मा एक गुड़िया जिसको आप भूतिया गुड़िया कहते हैं कि उसके अंदर भूत है इंसानी जिस्म की तलाश है लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि पैरा एक्सपर्ट्स दंपति कई फादर कई विटनेस डोना उसके दोस्त इन सब ने आँखों से ये सारी चीज़ें देखी और सबसे बड़ा सबूत ये कि आज भी ये डॉल एक म्यूज़ियम में उसी तरीके से सुरक्षित है और कहते हैं कि जब तक ये बॉक्स के अंदर है तब तक ठीक है अगर ये बाहर आई तो फिर से इसकी हरकत और इसकी जो शैतानी ताकत है वो वापस आ जाएगी और ये शुरू हो जाएगी तो ये थी कहानी एनाबेल डॉल की इस बारे में और भी अगर आपको कोई जानकारी हो तो शेयर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत वक्त से इस कहानी के बारे में फरमाइश की थी बीच में मैं बड़ा कंफ्यूज भी था सुनाऊँ ना सुनाऊँ लेकिन फिर मुझे लगा कि चले सुनानी चाहिए कुछ रिसर्च करके भी तो ये थी कहानी और एक फिल्म भी थी इस पर द कंजूरिंग जो कहते हैं हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ ड्रामना दिखा दिया गया जितना कि इस रियल स्टोरी में नहीं है लेकिन द कंजूरिंग फिल्म आई थी जो कहते हैं किसी एनाबेल डॉल के ऊपर आधारित थी और भी कुछ फिल्में आई थी इस पर अपने यहाँ भी शायद एक फिल्म थी एक गुड़िया को थोड़ा सा दिखाया था मैं भूल रहा हूँ इस वक्त शायद उर्मिला माटोनकर उस फिल्म में थी लेकिन इस इस कहानी से वो फिल्म कितनी प्रेरित थी कह नहीं सकता तो आज कहानी में इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात नौ बजे किसी नई कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच